Hello students, I'm Amani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another important YouTube video at our platform. So what are we going to discuss? Aaj ki video mein, we are going to talk about the latest notification given by NTA UGC NET, right? 2024 June ka jo cycle hone wala hai, aapke NET ke exam ka, uske baare mein, there has been some official notification jo aa chuki hai. So through the video, we are going to move forward and see what are the changes because this particular notification mein and the information bulletin jo iske baad hi, iske saath mein hi publish kara gaya hai in the PDF format, kuch changes dekhne ke liye hum log ko mil rahe hain. So one by one, we will be taking a look at jo changes hain unke baare mein, we will be discussing them one by one. लेकिन सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं विद रिगार्ड्स टू योर पेपर राइट. सबसे पहला चेंज जो एनटीए हैज इंट्रोड्यूस, लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज हियर. अगर हम बात करें एनटीए ने जो सबसे पहला चेंज लेके आए हैं, दैट इज दैट इन दिस पर्टिकुलर साइकिल जून 2024 में जो आपका नेट का पेपर होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी इन दी OMR paper and pen pattern. Now what do I mean by that? Paper and pen pattern का मतलब क्या है? यानी कि आप लोग का जो paper होगा, that would be on an OMR sheet. यानी कि आपका paper जो है, वो online से offline में it has been shifted. जहां पे आप लोग को पेन्स दिए जाएंगे, पेपर्स दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू फिल दोज सर्कल्स जो कि ओएमआर शीट के ऊपर बने हुए होंगे. तो सबसे पहला बदलाव यही है कि इन दी 83 सब्जेक्ट्स दैट आर देयर, उन सभी के पेपर्स जो हैं वो ऑफलाइन फॉर्मेट में इस बार लिए जाएंगे राइट. सो दैट्स दैट. लेट्स जस्ट लुक एट द अदर थिंग्स जिसमें हमारी एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसकी डेट भी आउट हो चुकी है. सो फ्रॉम 20th of April, 20 अप्रैल से 10 मई 2024 तक आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आपको अगर अप्लाई करना है फॉर द यूजीसी नेट जून 2024 के साइकिल के लिए, आप उसका फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं. मूविंग टू द सेकेंड थिंग, लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द एग्जामिनेशन फी. तो हर एक कैटेगरी के इंसान को जो भी यूजीसी नेट के लिए बैठ रहे हैं, दे आर सपोज टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फी और उस फी को पे करने के लास्ट डेट क्या है, इट्स फ्रॉम 11th to 12th May, यानी कि 11 और 12 मई तक आप जो है अपनी सबमिशन कर सकते हो फी की. करेक्शन इन द पर्टिकुलर 13 to 15 May, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती कर दी है, यू वॉन्ट टू करेक्ट दोज थिंग्स, तो करेक्शन विंडो हर बार की तरह बाय यूजीसी ओपन होता है. यू कैन गो एंड करेक्ट योर पर्टिकुलर्स देयर, लेकिन 15 मई के बाद आप नहीं कर पाओगे वो. तो 13 से 15 मई तक कुछ भी करेक्शन जो आपने फॉर्म में भरी है, इफ यू वांट टू चेंज एंड गो अहेड विद दैट, आप वो चीज चेंज कर सकते हैं. सिटी की अनाउंसमेंट, एडमिट कार्ड जो होगा, वो चीजें आपको लेटर ऑन बता दी जाएंगी राइट. डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो इस बार दी है, इट इज 16th of June राइट 2024 आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है. सेंटर डेट एंड शिफ्ट आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगा राइट. रिकॉर्ड रिस्पॉन्सेज और आंसर की ये भी बता दी जाएंगी जब आपका पेपर हो जाएगा. वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन न्यूज पोर्टल के थ्रू आ जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डाउनलोड योर आंसर कीज, सी योर रिस्पॉन्स शीट जिसमें आपने रिस्पॉन्सेज दिए होंगे. मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें, तो फॉर जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी द फीस इज 1150, 1150 इज द फी फॉर जनरल एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी. जनरल में EWS, OBC, NCL में 600, SC, ST, PWD में और थर्ड जेंडर में इट्स 325 रुपीज राइट. सो पहला चेंज जो अभी तक हमने नोटिस करा है, दैट इज इन द मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट कर दिया गया है राइट. लेट्स सी द अदर थिंग्स, यानी कि मोड, पैटर्न, सिलेबस और मीडियम की बात करते हैं, तो उसमें ज्यादा चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मोड चेंज हुआ है हमारा राइट. मोड हमारा ओएमआर बेस्ड मोड हो गया है, यानी कि आपको पेन से वो सर्कल्स मार्क करने होंगे.
ABCD ऑप्शंस होंगे जैसे हमेशा होते हैं, राइट? सो वी विल हैव ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली. सो पेपर का पैटर्न सेम रहने वाला है, किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा दैट हैज बीन चेंज फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन. ठीक है, और चीजें देखते हैं. आपके पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं फॉर 100 मार्क्स, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है. पेपर टू विच इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर, जिसमें आपने अपनी मास्टर्स करी होती है विद 55% ऑफ मार्क्स विदाउट राउंडिंग देम ऑफ, जिसमें 5% जो है वो बाकी कैटेगरीज को हल्का सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है. विदाउट राउंडिंग देम ऑफ यू आर सपोज टू ऑब्टेन 55% ऑफ मार्क्स इन योर मास्टर्स, और उसी फील्ड में आगे जो है आप उन पेपर को दे सकते हो, राइट? सारा सिलेबस एटसेट्रा आप NTA की वेबसाइट से, यू कैन डाउनलोड द सिलेबस एटसेट्रा फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ. क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रहेगा? अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर के मीडियम की, तो इंग्लिश और हिंदी की चॉइस मिलेगी एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर्स. यानी कि अगर आपने कोई लैंग्वेज का पेपर चूज करा है, दैट क्वेश्चन पेपर वो उसी लैंग्वेज में खुलेगा, करेक्ट? मूविंग फॉरवर्ड शुड बी केयरफुली चोजन, एंड आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे मोड वगैरह सब चूज करना पड़ेगा. रिक्वायर्ड टू आंसर द मीडियम एज पर ऑप्शन एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन फॉर्म. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना मोड यानी कि अपना मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है उसको अच्छे से चुन ले लैंग्वेज पेपर्स के अलावा, ठीक है? एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, मार्किंग स्कीम पर आते हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू 2 मार्क एक क्वेश्चन के होंगे, राइट? एंड नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एनी ऑफ योर क्वेश्चंस, ठीक है? लेकिन आप मेक श्योर कर सकते हो कि आप क्वेश्चन अटेंड करो. अगर आपने उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू भी छोड़ दिया ना बच्चे, तो भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो मेक श्योर इफ यू आर पुटिंग समवेयर ऑर द अदर द पॉइंटर देयर, आप फिल कर रहे हो वो चीज, आप उसको मार्क फॉर रिव्यू चूज नहीं करो, ठीक है? राइट, सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. कैंडिडेट नीड्स चूज वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर, राइट? तो मार्किंग स्कीम में कुछ चेंज हमें देखने के लिए नहीं मिला. अच्छा, एक और बड़ा चेंज जो है NTA ने इंट्रोड्यूस करा है फॉर द पीपल हु आर डूइंग द इंटीग्रेटेड बैचलर्स कोर्स, ठीक है? तो जो 4 साल का बैचलर्स का कोर्स कर रहे हैं, राइट, इंटीग्रेटेड में, दे शुड हैव मिनिमम ऑफ 75% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन अ पॉइंट स्केल वेर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड. यानी कि अब अंडर ग्रेजुएट जिन्होंने अपनी डिग्री इंटीग्रेटेड बैचलर से ले ली है, 4 years बैचलर प्रोग्राम करके इंटीग्रेटेड वाला, दे कैन सिट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ UGC. लेकिन शर्त क्या है? जैसे मास्टर्स के लिए शर्त है 55% ऑफ मार्क्स, फॉर द अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स 75% ऑफ मार्क्स इन देयर बैचलर्स इज इम्पोर्टेंट. 75% जो है मार्क्स आप अपने बैचलर्स जो इंटीग्रेटेड वाला है 4 साल वाला, उसमें आपके 75% होने चाहिए. इसमें भी 5% की रिलैक्सेशन है फॉर अदर कैटेगरीज एज वेल, ठीक है? अब एक चीज और आ जाती है कि ये 4 year अंडरग्रेड डिग्री जो है इसके बेसिस पे बच्चे अगर नेट क्लियर करेंगे तो दे विल जस्ट बी एबल टू गो फॉर देयर JRF या PhD में एडमिशन के लिए. यानी कि दे विल नॉट बी एलिजिबल अपॉइंटमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि अंडरग्रेड के बच्चे हैं, मास्टर्स भी नहीं करा, तो उनको असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनाएंगे. लेकिन ऑफकोर्स देयर इज अ प्रोविजन कि वो बच्चे JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट? दे कैन गो फॉर देयर PhD एडमिशन एज वेल, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप नहीं होगा, राइट? देन वी आर सीइंग दैट जो लोग अभी भी परसू कर रहे, ये तो बात करी जिनकी कंप्लीट हो गई है इंटीग्रेटेड कोर्स बैचलर्स वाला, उनके 75% ऑफ मार्क्स होने चाहिए. वो लोग जिनके जो अभी भी परसू कर रहे हैं 4 year इंटीग्रेटेड बैचलर्स का कोर्स, उसके लास्ट सेमेस्टर में है, परसू कर रहे हैं और उसके आखिरी सेमेस्टर यानी कि उसके 8th सेमेस्टर में है,
तो दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द टेस्ट. तो परसुइंग वाले, यानी कि परसुइंग वाले में ये कंडीशन है कि वो आठवें सेमेस्टर में बच्चा होना चाहिए, ठीक है. और ये प्रोविजनली आपको एडमिट कर दिया जाएगा. मान लेते हैं यू आर परसुइंग योर बैचलर्स इंटीग्रेटेड वाला जो प्रोग्राम है उसमें आप परसू कर रहे हो, अभी आठवें सेमेस्टर में हो, आपका नेट हो जाता है तो आपको एलिजिबल प्रोविजनली माना जाएगा. इसका मतलब बाय द एंड ऑफ योर कोर्स ऑफ योर बैचलर्स, चार साल का जो इंटीग्रेटेड का आपका अंडर ग्रेड का कोर्स है उसमें आपके 75% मार्क्स होंगे तो ही आपको कंसिडर करा जाएगा फॉर दी अवार्ड ऑफ GRF और PhD, क्योंकि रिक्वायरमेंट मिनिमम यही है फॉर अंडर ग्रेड वाले स्टूडेंट्स, राइट. आगे देखते हैं, द कैंडिडेट विद अ 4-year बैचलर्स डिग्री आर अलाउड टू अपेयर इन अ सब्जेक्ट. तो एक ही सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो अंडर ग्रेड वाले स्टूडेंट्स जो कि इंटीग्रेटेड वाले में आ रहे हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स में एक ही सब्जेक्ट चूज करेंगे. लेकिन ये ध्यान रखना है द सब्जेक्ट यू हैव चूजन, उस सब्जेक्ट में आपको आगे जाके PhD करनी है, तो उस हिसाब से आप लोग वो सब्जेक्ट चूज करोगे, ठीक है. यू आर सपोज टू मेक श्योर कि आप अगर उसमें परसू करनी है PhD इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन इन विच दे हैव ऑब्टेन्ड द 4-year बैचलर्स डिग्री. उसके अलावा भी अगर आपको जाना है, जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो वो सब्जेक्ट समझदारी से चूज करना है कि मुझे इसमें PhD करनी है, राइट. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे और है. अगर मैं बात करूं कि ये जो बच्चे अभी परसू कर रहे हैं अपना इंटीग्रेटेड कोर्स, दे आर इन द लास्ट सेमेस्टर, दे आर परसूइंग, मेक श्योर करना है कि हमने बात करी कि 75% जो है प्रोविजनली उनके होने चाहिए, प्रोविजनली उनको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है, एलिजिबल हो जाएंगे वो. लेकिन दे विल हैव टू मेक श्योर दैट बाय द एंड ऑफ देयर 8 semester, जो 8 semester के बाद रिजल्ट आता है, उसमें 75% हो ही हो. एंड ऑफ कोर्स दे विल बी 2 साल तक अवार्ड ऑफ कंटेन्ड इन द रिक्वायरमेंट ऑफ PhD इफ क्वालिफाइड फॉर GRF, within 1 year if qualified only for the admission of PhD. तो PhD के लिए इनका स्कोर वैलिड रहेगा 1 साल के लिए, GRF के लिए 2 साल के लिए, ठीक है. तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं कि इस बार NTA ने अंडर ग्रेड इंटीग्रेटेड वाले बच्चे भी साथ में जो है उनको भी पेपर देने के लिए बोल दिया है. मूविंग फॉरवर्ड, एक बार और आपको रिकॉल करा दूं दैट दी GRF की जो लिमिट है हमारी, आप लोगों की जो बच्चे GRF के लिए टारगेट कर रहे हैं, एज ऑफ यू नो हमारा June 1, 2024 तक आप 30 साल के होने चाहिए, ठीक है. ये आपकी GRF की क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें उसकी एज लिमिट है, ठीक है, 30 years एज ऑफ 1 June 2024. एंड असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू PhD, इनकी कोई अपर एज लिमिट नहीं है, नो अपर एज लिमिट इन बोथ योर असिस्टेंट प्रोफेसर और योर एडमिशन टू PhD. ऑल्सो एक हम लोग ने वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड अ वीडियो जिसमें ये कैटेगरी वाइज चीज जो है प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड है. तो याद रखना है कि इस बारी NTA ने कैटेगरी वाइज ये 3 प्रोविजंस क्रिएट कर दिए हैं, जहां पे कैटेगरी 1 है वो बच्चे जिनका GRF भी क्लियर हो गया है और वो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबल है, सो दे कैन गो फॉर देयर PhD एडमिशन. कैटेगरी 2 कहती है जस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लियर हुआ है बच्चों का और उनको PhD में एडमिशन मिल सकती है. दिस इज टोटली गोइंग टू बी बेस्ड ऑन द कट ऑफ जो NTA रिलीज करेगा. वो बच्चे जिनकी कट ऑफ कम है, जिनका ना नेट क्लियर हुआ है ना GRF यू नो हुआ है, तो उनकी परसेंटेज भी निकाली जाएगी एंड इट विल बी मेड श्योर दैट वो लोग भी जो है वो PhD में अप्लाई कर सकते हैं. सो थर्ड कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ PhD में एडमिशन करने के लिए, चाहे बच्चे का नेट है या चाहे बच्चे का नेट नहीं है और GRF नहीं है, सिर्फ PhD में एनरोल करना है, तो वो बच्चे दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ योर द थर्ड कैटेगरी दैट इज, ठीक है. तो अभी तक हमने क्या चीजें नोटिस करी है कि इस बार आपका पेपर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी इन द ऑफलाइन मोड, ठीक है. ऑफलाइन मोड में OMR शीट के ऊपर आपका पेपर होगा, ठीक है. MCQs ही आएंगे आपको जैसे पहले आते थे, ठीक है. मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे. 2 पेपर्स होंगे आपके, पेपर 1 पेपर 2.
पेपर वन जो होगा उसमें क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चंस, और पेपर टू जो है उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, विच विल मेक इट अ टोटल पेपर ऑफ 150 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच. तो 300 का पेपर हो जाएगा आपके, ठीक है. और एक सिंगल विंडो में ही ये पेपर होगा, दो शिफ्ट में नहीं होगा कि पेपर वन पहले होगा पेपर टू पहले होगा, नहीं, एक ही सिंगल विंडो में ये आपका पेपर होगा. और हमने देखा कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं जिनकी मास्टर्स हुई हुई है उनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यही रह रही है कि 55% ऑफ मार्क्स इन देयर मास्टर्स राउंड ऑफ के बिना, एंड 5% रिलैक्सेशन फॉर दी अदर कैटेगरी. अगर हम अंडरग्रेड इंटीग्रेटेड कोर्स की बात करें, 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, उसमें जिनकी कंप्लीट हो गई है उनके 75% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है. 5% रिलैक्सेशन के साथ इनको भी मिल रहा है, और जो बच्चे अभी परस्यू कर रहे हैं उनके भी 75% ऑफ मार्क्स होने चाहिए. ऑल्सो वी टॉक्ड अबाउट कि यही जो अंडरग्रेड वाले बच्चे हैं इनमें और क्या चीज लेके आए हैं कि ये एक सब्जेक्ट में बैठ सकते हैं जिसमें इन्होंने आगे चल के अपनी PhD परस्यू करनी है, ठीक है, जिसमें इन्होंने आगे चल के अपनी PhD परस्यू करनी है, ये एक उस सब्जेक्ट को चूज करेंगे, करेक्ट. बाकी सारी चीजें आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर. एक बार अंडरग्रेड वाला अगर आप लोग को दोबारा देखना है तो आप लोग ये स्लाइड विजिट कर सकते हो, राइट. एंड ऑल्सो अंडरग्रेड वाले बच्चे अगर हम बात करें, PhD परसू वाला सब्जेक्ट तो चूज करेंगे, और अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चे जो हैं वो PhD या GRF के लिए ही एलिजिबल होंगे, ठीक है. दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज अ क्लॉज जो हमने अभी नोटिफिकेशन इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देखा. आई होप थिंग्स आर क्लियर, एंड आप जल्द से जल्द अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना शुरू कर सकते हैं. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फी पैटर्न एंड ऑल द चेंजेस जो NTA ने इस बार इंट्रोड्यूस करे हैं, राइट. आई विश यू ऑल द लक फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. कीप ऑन स्टडिंग. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.